क्या आप जानते हैं कि कैंसर में जो सबसे कॉमन कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल ना केवल सबसे सेफ प्रोटोकॉल है पर सबसे इफेक्टिव प्रोटोकॉल भी है। आज हम बात करेंगे पैक्ली कार्बो कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैशव शिकिया की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स, कैंसर की दुनिया में धीरे धीरे कीमोथेरेपी एक टेक्नोलॉजी है जिसका रोल कम होता जा रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की जगह ले रहे हैं। बट इवन देन आज भी एक डिसेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और इन पेशेंट्स को विभिन्न कीमोथेरेपी ड्रग कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। तो इन वेरियस कॉम्बिनेशन में जो सबसे कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, इसको पैक्ली कार्बो या पैक्लीडेक्सल कार्बोप्लेटिन बोलते हैं। उसके पेशेंट्स हम अक्सर अपनी ओपीडी में और अपने क्लिनिक में देखते हैं और पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी कीमोथेरेपी मुझे कैसे लगेगी, इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या ये मैं अच्छा टॉलरेट करूंगा, इसको कैसे दिया जाता है, क्या ड्रग ऑप्शन है, क्या कॉस्ट है, एंड साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इस प्रोटोकॉल यानी पैक्ली कार्बो या पैक्लीडेक्सल कार्बोप्लेटिन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे जुड़े हुए सारी जटिलताओं को सॉर्ट आउट करेंगे और पेशेंट को कॉन्फिडेंस देंगे कि वो अपनी कीमोथेरेपी को कॉन्फिडेंस से डील कर सके। तो पैक्ली कार्बो प्रोटोकॉल के बारे में सीखने के लिए हमसे जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पैक्ली कार्बो से हमारा मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, पैक्ली कार्बो मतलब पैक्लीडेक्सल एंड कार्बोप्लेटिन, जो कि दो कीमोथेरेपी ड्रग्स है, और इस प्रोटोकॉल में इन दोनों ड्रग्स को कंबाइन करके एक सिंगल डे में दिया जाता है और इसको सो कॉल्ड पैक्ली कार्बो प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, पैक्लीडेक्सल विद कार्बोप्लेटिन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है फॉर टू मेन रीजंस। रीजन नंबर वन है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटोकॉल है जिसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इसको बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंसर में यूज किया जा सकता है और इन सारे कैंसर में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे वो लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो, चाहे हेड एंड नेक कैंसर हो, किसी भी तरह के कैंसर में इट हैज गॉट अ वेरी डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। रीजन ये है कि पैक्लीडेक्सल और कार्बोप्लेटिन ड्रग्स का काम करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। पैक्लीडेक्सल डिवाइडिंग सेल्स की सेल डिवीजन के सेपरेशन प्रोसेस को रोकता है और कार्बोप्लेटिन डिवाइडिंग सेल्स की डीएनए क्रिएशन की प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो जब ये दोनों ड्रग साथ मिल जाते हैं, इनका रिजल्ट ये होता है कि डिस्टेंट मैकेनिज्म से ट्यूमर सेल पर डबल अटैक पड़ता है और ट्यूमर सेल की इफेक्टिव किलिंग की जाती है। इसलिए हाईली एक्टिव और पोटेंट प्रोटोकॉल है जो अच्छी तरह कैंसर को किल कर सकता है। बट सेकेंड पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक हाईली सेफ प्रोटोकॉल है। पैक्लीडेक्सल कार्बोप्लेटिन प्रोटोकॉल में टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और क्लासिकली देखा गया है कि इस प्रोटोकॉल से माइनर और माइल्ड साइड इफेक्ट्स के अलावा पेशेंट को यूजुअली ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। इनफैक्ट पैक्ली कार्बो प्रोटोकॉल की रिसर्च ये कहती है कि ज्यादातर पेशेंट को जो भी साइड इफेक्ट होते हैं माइल्ड एंड इजी टू मैनेज एट होम होते हैं, और ये बहुत बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको साइड इफेक्ट की वजह से कोई ट्रबल झेलनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज हाईली इफेक्टिव एंड हाईली सेफ, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलरली कैंसर में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटोकॉल कॉमनली किन कैंसर में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से इस प्रोटोकॉल को ऑलमोस्ट हर कैंसर में यूज किया जा सकता है। बट क्लिनिक में सबसे कॉमनली जिन कैंसर में पैक्ली कार्बो को यूज किया जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, मुंह और गले का यानी हेड एंड नेक कैंसर, ब्लैडर कैंसर और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्पेशली अपर ट्रैक्ट यानी खाने की नली, इसोफेगस और स्टमक के कैंसर में इस कैंसर को यूज किया जाता है। साथ ही लेडीज की जेनिटल ट्रैक्ट जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर और ओवरी कैंसर, और मेल के लोअर जेनिटल कैंसर यानी कि एनल कैंसर और पिनाइल कैंसर में इस प्रोटोकॉल को कॉमनली यूज किया जाता है। बट बहुत सारे अन्य कैंसर भी है जिनमें इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है एज अ जेनरिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीमोथेरेपी, क्योंकि ज्यादातर कैंसर में ड्रग इफेक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रोटोकॉल को कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पैक्लीडेक्सल और कार्बोप्लेटिन जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है, ये नस से बॉडी के अंदर चढ़ाए जाते हैं। तो पेशेंट को यदि पैक्लीडेक्सल और कार्बोप्लेटिन देना होता है तो पैक्लीडेक्सल नाम की दवाई को पानी की बोतल में मिक्स करके और कार्बोप्लेटिन की नाम की दवाई को एक दूसरी पानी की बोतल में मिक्स करके पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। टिपिकली जो पेशेंट की जर्नी होती है वो ये होती है कि दोनों ड्रग्स को डे केयर में 4 से 6 घंटे के बिलो टाइम में पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। पेशेंट डे केयर में आता है, उसकी नसों को एक्सेस किया जाता है, या तो उसको कैनुला चढ़ा के या पिक्या पोर्टलाइन से एक्सेस किया जाता है, और पहले कुछ दवाइयां दी जाती है ताकि पेशेंट को दवाइयों का साइड इफेक्ट ना हो। फिर पैक्लीडेक्सल की बोतल चढ़ाई जाती है इंट्रावेनसली बिटवीन 1 to 3 आवर्स में, और फिर कार्बोप्लेटिन की बोतल चढ़ाई जाती है इंट्रावेनसली बिटवीन 1 to 3 आवर्स में, और फिर कैनुला को रिमूव करके पेशेंट के वेनस एक्सेस को रिमूव करके उसको घर भेज दिया जाता है। और यूजली इस पूरे प्रोसेस में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है और पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेजॉरिटी केसेस में पेशेंट डे केयर में ही ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर्स अपना प्रोटोकॉल लेके आराम से घर जा सकता है विदाउट फेसिंग टू मच प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसी मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पेशेंट को अक्सर डील करना पड़ता है और डॉक्टर से डिस्कस किया जाता है, वो है वीकली वर्सेस 3 वीकली पैक्ली कार्बो।
तो फ्रेंड्स पेशेंट के डॉक्टर्स कई बार पेशेंट को समझाते हैं कि पेक्लिकार्ब लेने के दो तरीके हैं, उसको हफ्ते में एक बार ले सकते हैं और 3 हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। दोनों केस में 3 हफ्ते की एक साइकिल है, तो या तो पूरा एक लार्ज डोज ऑफ पेक्ली और लार्ज डोज ऑफ कार्बो एक बार में चढ़ा के 3 हफ्ते बाद अगला साइकिल दे सकते हैं, या एक स्मॉल डोज ऑफ पेक्ली एंड स्मॉल डोज ऑफ कार्बो हर हफ्ते टक 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 करके धीरे धीरे करके चढ़ा सकते हैं, और दोनों केसेस में टाइम उतना ही लगता है और पेशेंट को डाउट रहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल लेना चाहिए। तो ये इस चीज को क्लैरिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों अप्रोचेस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं 3 वीकली पेक्ली कार्बो के एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स 3 वीकली पेक्ली कार्बो में पूरा पेक्ली कार्बो का एक साइकिल जो 3 हफ्ते की होती है उसका डोज एक बार में पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है और अगले साइकिल का नंबर फिर 3 हफ्ते बाद आता है। 3 वीकली पेक्ली कार्बो के एडवांटेजेस ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल कम आना पड़ता है, पेशेंट बस एक बार हॉस्पिटल 3 हफ्ते में एक बार आके अपने घर जा सकता है और उसको बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। 3 वीकली पेक्ली कार्बो चीपर होता है, रीजन ये है कि बार बार एडमिट होकर डे केयर बेड चार्ज वगैरह पेशेंट को नहीं देने पड़ते और एक ही बार में पूरा प्रोटोकॉल उसकी बॉडी में पूरा एक साइकिल उसकी बॉडी में चले जाता है, बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। और 3 वीकली पेक्ली कार्बो में न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम कम होती है, यानी जो हम आगे साइड इफेक्ट डिस्कस करेंगे पेक्लिटेक्सल की वजह से होने वाला नर्व इंजरी या नर्व डैमेज का रिस्क कम होता है, जिससे फिंगर्स में सुनपने वगैरह की परेशानी पेशेंट में कम होती है। ऑन दी अदर हैंड वीकली पेक्ली कार्बो के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है 3 वीकली में नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट, वीकली पेक्ली कार्बो बहुत ही माइल्ड और इजी टू यूज प्रोटोकॉल होता है। वीकली पेक्ली कार्बो में साइड इफेक्ट्स 3 वीकली पेक्ली कार्बो जो ऑलरेडी एक लाइट प्रोटोकॉल है उससे भी कहीं कम है। इनफैक्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि वीकली पेक्ली कार्बो ऑन्कोलॉजी की फील्ड का वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल है, जिससे पेशेंट को साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं और इजिली मैनेजेबल होते हैं। तो 3 वीकली पेक्ली कार्बो बहुत ही इजी टू यूज और सेफ प्रोटोकॉल होता है। 3 वीकली पेक्ली कार्बो में एक और एडवांटेज ये होता है कि सपोज आपने पहले हफ्ते 1/3 डोज दिया, दूसरे हफ्ते 1/3 डोज दिया, तो यदि तीसरे हफ्ते तक हमें लगता है पेशेंट को कमजोरी या बुराई फील हो रही है तो हम 3rd week का डोज स्किप या डिले कर सकते हैं, जबकि 3 वीकली पेक्ली कार्बो में ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि पूरा डोज एक बार दे देते हो और उसको बॉडी से निकालने का कोई तरीका नहीं होता। तो वीकली पेक्ली कार्बो हमें ज्यादा कंट्रोल देता है, ज्यादा सेफ्टी देता है और उसको इजिली हम और इजिली पेशेंट को दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड वीकली पेक्ली कार्बो के 2 मेन डिसएडवांटेजेस है। एक, वीकली पेक्ली कार्बो में पेक्लिटेक्सल का जो नेट डोज है कभी कभी ज्यादा होता है, जिससे पेशेंट को न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और दूसरा, वीकली पेक्ली कार्बो का कॉस्ट यूजली 3 वीकली पेक्ली कार्बो से ऑलमोस्ट डबल होता है, रीजन ये कि पेशेंट को बार बार एडमिट होना पड़ता है और हर एडमिशन में उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, डे केयर चार्ज, बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज एक्सेट्रा, जिससे पेशेंट का कॉस्ट बढ़ता है और हॉस्पिटल विजिट बढ़ती है, इससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो सकता है। तो यदि आपको डॉक्टर चूज करने का बोले तो यूजली डिसीजन डॉक्टर के साथ मिलकर आपको लेना चाहिए। मोटा मोटा जो पेशेंट यंग, फिट और हेल्दी है उनके लिए 3 वीकली पेक्ली कार्बो एक इजी टू यूज प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि बार बार यूजली यंग पेशेंट में साइड इफेक्ट कम होता है, बार बार हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है और पेशेंट कंफर्टेबली 3 हफ्ते में एक बार दवाई लेके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है। और जो पेशेंट की एज ज्यादा है, जो कमजोर है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स में यूजली हम 3 वीकली की जाए वीकली पेक्ली कार्बो प्रेफर करते हैं। रीजन ये है कि वो प्रोटोकॉल लाइटर है, ज्यादा हमारे कंट्रोल में और केयरफुली पेशेंट को साइड इफेक्ट कम करते हैं उसको प्रोटोकॉल को हम दे सकते हैं। तो डॉक्टर और पेशेंट को यूजली मिलकर 3 वीकली वर्सेस वीकली प्रोटोकॉल का डिसीजन लेनी चाहिए, ताकि हम पेशेंट को बेस्ट एडवांटेज दे पाए विदाउट टू मेनी साइड इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे कॉमनली पूछते हैं कि हम इस प्रोटोकॉल का फायदा कब देख सकते हैं। तो पेशेंट जब पहली बार दवाई लगाता है अगले दिन बोलते हैं सर मेरे को फायदा नहीं आया अभी तक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोथेरेपी पेक्ली कार्बो जैसे कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स का टिपिकली फायदा 2 to 3 weeks के बाद दिखता है। तो जिस दिन आपको दवाई लगेगी ऐसा नहीं है कि अगले दिन से फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो पेशेंट को कोई गांठ है तो 2 से 3 हफ्ते के बीच में उसका श्रिंकेज आप देख सकते हो, या पेशेंट को कोई सिम्टम है सपोज पेन है तो टिपिकली 2 to 3 weeks के बीच में पेन का रिडक्शन आप देख सकते हो। तो क्लासिकली पेक्ली कार्बो प्रोटोकॉल का एडवांटेज 2 to 3 weeks पॉइंट में दिखता है और एज टाइम पासेस को एडवांटेज को इंप्रूव होते हुए देख सकते हो। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं पेक्ली कार्बो प्रोटोकॉल में साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और उन साइड इफेक्ट्स की प्रिकॉशंस क्या, उनसे कैसे बच सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ पेक्ली कार्बो प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स जब पेक्ली कार्बो प्रोटोकॉल पेशेंट को लगता है, चाहे वो वीकली हो या 3 वीकली हो, कुछ चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को ध्यान रखना। नंबर वन, जब पेशेंट को हम पेक्ली कार्बो देते हैं तो इसका जो इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट होता है वो पेशेंट के बोन मैरो पे जोर डालता है, जिससे उसके प्लेटलेट, व्हाइट सेल काउंट और रेड सेल काउंट तीनों कम हो सकते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट होता है व्हाइट सेल काउंट्स पे होता है। जब पेशेंट का व्हाइट सेल काउंट कम, यूजली जैसे हमने दवाई दी व्हाइट सेल काउंट फॉल करते हैं फिर रिकवर होते हैं और फिर हम पेशेंट को अगला डोज दे सकते हैं। तो जब पेशेंट के व्हाइट सेल काउंट फॉल करते हैं वो उसको हम नाडिर बोलते हैं और उस टाइम पे पेशेंट की बॉडी को इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो पेशेंट्स को हमेशा हम यही एडवाइस करते हैं कि उनको एक हाइजीनिक, हेल्दी और साफ सुथरी डाइट लेनी चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन का रिस्क ना हो।
तो हाइजीनिक डाइट में इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ साफ सुथरा हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, बासी खाना नहीं, कल का बना हुआ खाना आज नहीं खाना चाहिए, जो भी फूड है वो फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए। यदि पेशेंट को कच्ची चीजें खानी है, फ्रूट वेजिटेबल खाने हैं, तो अच्छी तरह धो के छिलका उतार कर उनको खा सकता है, वॉश्ड एंड क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल पेशेंट खा सकता है। पेशेंट को यदि जूस पीना है तो या तो फ्रेशली वॉश फ्रूट को निकाल के जूस घर पे निकाल के पी सकता है, या सिंगल यूज टेट्राबैग एक बार खोल के पी के उस टेट्राबैग को फेंक देना है। तो चीजों को रीयूज नहीं करना, कोशिश करनी है कि जो भी चीजें पेशेंट ले रहा है वो फ्रेशली वॉश्ड या कुक्ड हो और ताजा हो। पेशेंट को भीड़ भाड़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में सपोज 100 लोग हैं तो जरूर 100 में से 2 लोग बीमार होंगे और उनकी इन्फेक्शन पेशेंट को लग सकती है, और पेशेंट को बीमार लोगों से नहीं मिलना चाहिए। यदि घर पे और कोई बीमार है तो पेशेंट को उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि उनका इन्फेक्शन उसको ना लगे। तो इससे पेशेंट अपनी लोअर इम्यूनिटी को इजिली मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2, जब पैक्लिटेक्सल कारबोप्लाटिन की दवाई बॉडी में जाती है तो अराउंड 1-2% पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क है। इससे ठंड लगना, चिल्स आना, गले में टाइटनेस फील होना, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, चेहरे पर रेडनेस आना एक्सेट्रा फील हो सकता है, और इस प्रोसेस को ड्रग एलर्जी या ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। तो डॉक्टर यूजली जब ये दवाई देते हैं बड़ी ध्यान से देते हैं, और दवाई से पहले कुछ दवाइयां और देते हैं ताकि ये रिएक्शन पेशेंट को ना हो, जिसको हम प्री मेडिकेशन बोलते हैं। तब भी कोई भी पेशेंट को पैकली कार्बो यदि वो ले रहे हैं तो उनको अपने घर पे नहीं लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर के क्लिनिक में हो, ताकि कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर को मैनेज कर सके और पेशेंट को सेव कर सके। नंबर 3, पैकली कार्बो प्रोटोकॉल के बाद कुछ पेशेंट्स को डायरिया की कंप्लेंट होती है, जिसका कॉज पैक्लिडेक्सल ड्रग है जो थोड़ा बहुत डायरिया कॉज करता है। तो यूजली डायरिया के लिए डॉक्टर पेशेंट को प्रिकॉशन लिख के देते हैं कि डायरिया हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो टिपिकली लोपरामाइड या इमोडियम नाम की टैबलेट होती है जो डायरिया के प्रोसेस को स्टॉप करती है, और लिक्विड्स और फ्लूइड्स ऑफ ORS पेशेंट को लेने को दिया जाता है। यदि पेशेंट को ज्यादा डायरिया होता है तो पेशेंट को अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि और स्ट्रॉन्ग दवाइयां देकर उस डायरिया को मैनेज कर सके। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में डायरिया माइल्ड ही होता है, जो कि आराम से घर पे ओरल टैबलेट से मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट, पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल हेयर लॉस कॉज करता है, क्योंकि जो पैक्लिटेक्सल दवाई है वो बालों का झड़ना कॉज करती है। तो हेयर लॉस को, हालांकि हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो परमानेंट नहीं होती है, और जब कीमो खत्म होगी बाल वापस आ जाएंगे, कुछ पेशेंट प्रेफर करते हैं कि हेयर लॉस अवॉइड करे। और एक गुड न्यूज है कि आज के दिन जो पैक्लिटेक्सल कारबोप्लाटिन प्रोटोकॉल है उससे होने वाले हेयर लॉस को पेशेंट इजिली अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी। स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए पेशेंट वीडियो पे डिस्प्लेड लिंक्स क्लिक करके स्कैल्प कूलिंग वाला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे वो पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल बिना हेयर लॉस पा सकते हैं, अपने हेयर को बचा सकते हैं। फाइनली, पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल में एक साइड इफेक्ट होता है, इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो क्या देखा गया है कि मल्टीपल डोजेस पैक्लिकार्बो के साथ पेशेंट की नर्व्स की टिप्स धीरे धीरे डैमेज हो सकती है, जिससे पेशेंट को कॉमनली टिंगलिंग, नंबनेस या सुनबने की प्रॉब्लम होती है, जो फिंगर टिप्स पे और पैरों के टिप्स पे शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है, और इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट और ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कॉमनली डॉक्टर्स पेशेंट को विटामिन डी, विटामिन B12 और दूसरी सिमिलर दवाइयां देते हैं। साथ ही आज के दिन कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जिससे हाथों को और पैरों को कूल करके या टाइट ग्लव्स पहना के जो टिंगलिंग और नंबनेस की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेवरदलेस, खासकर जो पेशेंट की एज ज्यादा है, इनको शुगर है, उनमें न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम रहती है, और सारे एफर्ट्स के बावजूद भी पेशेंट को थोड़ा बहुत न्यूरोपैथी हो सकता है। यदि पेशेंट को न्यूरोपैथी हो उसको अपने डॉक्टर को टाइम से इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो प्रोटोकॉल को मॉडिफाई कर सके, ड्रग्स का डोज चेंज कर सके, या कुछ केसेस में ड्रग्स को भी चेंज कर सके। और मेनी केसेस में जब कीमोथेरेपी बंद होती है तो न्यूरोपैथी पार्शियली या फुली रिवर्स हो जाती है। इन कॉमन साइड इफेक्ट के अलावा कुछ और साइड इफेक्ट भी पैक्लिकार्बो से हो सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट टू नोट, इनमें से ज्यादा साइड इफेक्ट रेयर होते हैं। इवन दिस कॉमन साइड इफेक्ट्स मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स माइल्ड होते हैं। जो रिसर्च अवेलेबल है वो कहती है कि 90-95% पेशेंट में पैक्लिकार्बो से होने वाले साइड इफेक्ट माइल्ड होते हैं, इनको इजिली घर पे ओरल टैबलेट से मैनेज किया जा सकता है अपने डॉक्टर की मदद से। तो सिर्फ 5-10% पेशेंट ऐसे हैं जिनको साइड इफेक्ट की वजह से हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है या कोई साइड इफेक्ट मैनेजमेंट स्पेशल डील करनी पड़ती है। तो मेजोरिटी ऑफ इसमें इट इज अ सेफ प्रोटोकॉल विच इज इजिली हैंडल्ड, और पेशेंट को ज्यादा परेशानी इस प्रोटोकॉल में यूजली नहीं होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स पैक्लिटेक्सल कारबोप्लाटिन प्रोटोकॉल की कुछ वेरिएशन की। तो फ्रेंड्स, पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल की 2 इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो पेशेंट को पता होना चाहिए। नंबर 1 वेरिएशन होता है पैक्लिटेक्सल की डिफरेंट टाइप्स। तो फ्रेंड्स, एक कन्वेंशनल पैक्लिटेक्सल होता है जो क्लासिकल ड्रग डिस्क्राइब्ड है, जो वेरियस रिसर्च ट्रायल्स में कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। पर आज के दिन पैक्लिटेक्सल की बेटर वर्जन अवेलेबल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नैप पैक्लिटेक्सल विच इज एल्ब्यूमिन बाइंड पैक्लिटेक्सल एंड नैनो पार्टिकल पैक्लिटेक्सल विच इज नैनो पैक्लिटेक्सल। तो ये दोनों पैक्लिटेक्सल की सब टाइप्स होती है। इनमें कन्वेंशनल पैक्लिटेक्सल से कुछ डिफरेंस होता है, हालांकि साइड इफेक्ट प्रोफाइल सिमिलर होता है।
एक तो इनमें जो ड्रग एलर्जी एवर्स इंटीरियर रिस्क इफेक्टिवली 0% होता है, तो ये पेशेंट के लिए एक्स्ट्रा सेफ ड्रग्स है। नंबर टू, ये दोनों जो टाइप ऑफ पैक्लिडक्सल है इनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो पेशेंट की डोजिंग को बेटर ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं और कुछ केसेस में पेशेंट का साइड इफेक्ट कम करने में हेल्प करते हैं। तो बट एट द सेम टाइम दे आर यूजुअली एक्सपेंसिव ऑप्शंस, इसलिए ये हर पेशेंट में यूज नहीं होते और सिलेक्टेड पेशेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। पेशेंट हू माइट फेस प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल पैक्लिडक्सल हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ पैक्लिडक्सल टू प्रिवेंट और अवॉइड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कॉमन पैक्लिडक्सल। पैक्लिकार्बो की सेकेंड वेरिएशन होती है एडिशन टू पैक्लिकार्बो। तो फ्रेंड्स, पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल में हम एडिशनल दवाइयां जोड़ सकते हैं पेशेंट का आउटकम इंप्रूव करने के लिए या सर्वाइवल इंप्रूव करने के लिए। तो क्लासिकली पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल में हम इम्यूनोथेरेपी की दवाई जोड़ सकते हैं जो कि जिससे पेशेंट को कीमो के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट भी मिल जाए, या इस प्रोटोकॉल में हम कीमो के साथ साथ टारगेटेड थेरेपी जोड़ सकते हैं जिससे पेशेंट को कीमो के साथ साथ टारगेटेड थेरेपी का बेनिफिट मिल जाए। तो हालांकि डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंपॉर्टेंट नोट कि पैक्लिकार्बो हमेशा अकेले नहीं दिया जाता और पैक्लिकार्बो के साथ आप जोड़ के दूसरे प्रोटोकॉल जोड़ सकते हो जिससे पेशेंट का आउटकम हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और टॉक्सिसिटी को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज एड ऑन्स आर पॉसिबल विद पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, फाइनली डिस्कस करते हैं कि पैक्लिकार्बो प्रोटोकॉल का कॉस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, एक साइकिल पैक्लिकार्बो से 3 हफ्ते आते हैं, उसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि पेशेंट वीकली ले रहा है या 3 वीकली ले रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आयुष्मान भारत स्कीम दोनों में ये ड्रग कैशलेस और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये ड्रग्स पुराने ड्रग्स है, जेनरिक है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज को लो कॉस्ट में बनाती है, इसलिए गवर्नमेंट भी इन ड्रग्स को फ्री में पेशेंट्स को पास ऑन करने को रेडी रहती है। इन द प्राइवेट सेक्टर यदि पेशेंट 3 वीकली प्रोटोकॉल ले रहा है तो टिपिकली एक साइकिल का कॉस्ट 20,000 से 40,000 के बीच में होता है, और यदि पेशेंट वीकली प्रोटोकॉल ले रहा है यानी हफ्ते में एक बार करके दवाई ले रहा है तो टिपिकली एक साइकिल यानी 3 डोज मिला के का कॉस्ट 30,000 से 60,000 के बीच में होता है। तो आप देख सकते हो कि वीकली प्रोटोकॉल 3 वीकली प्रोटोकॉल से एक्सपेंसिव होता है। तो अगेन वीकली वर्सेस 3 वीकली डिसाइड करते हो आपको अपने डॉक्टर से, ये चीज कॉस्ट फैक्टर उनसे डिस्कस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इसके प्रोज एंड कॉन्स आप डिस्कस कर सको। बट इस कॉस्ट का टिपिकली एक साइकिल होता है और टिपिकली पैक्लिकार्बो 4 से 6 साइकिल के लिए दिया जाता है, जिसका मतलब 12 से 18 हफ्ते के लिए दिया जाता है। तो इस बेसिस पे आप ड्रग का यूजेज और कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं और डॉक्टर से अपनी पसंद का ड्रग चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है पैक्लिकार्बो जो सबसे कॉमन और सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव कीमो प्रोटोकॉल में से एक है के बारे में आपने यूजफुल जानकारी पाई और ये आपके ट्रीटमेंट को हेल्प करे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का गोल है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे कंट्री के पेशेंट को उनकी भाषा में मिले। हमारे मिशन में हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि इस वीडियो में डिस्कस कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपका कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुआ है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन मुझको भेज सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द हम सॉल्व करें। जल्दी जुड़ेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।